नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपदा काल में आपदा प्रबंधन को लेकर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसी के चलते आपदा प्रबंधन के तहत एनडीआरएफ की एक कंपनी नाहन पहुंची। ये टीम 10 से 24 अप्रैल तक सिरमौर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां मॉक ड्रिल कर आपदा से बचाव के बारे में अवगत करवाएगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भूस्खलन, भूकंप इत्यादि के बारे में भी जागरूक करेगी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी औद्योगिक आपदा के बारे में श्रमिकों को जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त आर के गौतम ने बताया कि 10 से 12 अप्रैल तक नाहन क्षेत्र में ये टीम जागरूकता अभियान चलाएगी, उसके बाद 13 से 15 अप्रैल तक औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों में आपदा मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 16 से 18 अप्रैल तक कमरों में भूस्खलन समेत अनेक आपदाओं पर चर्चा की जाएगी। 19 से 21 अप्रैल तक शिलाई और 22 से रेणुकाजी क्षेत्र में दौरा रहेगा एवं 24 को नाहन में मेगा मॉक ड्रिल की जाएगी। उपायुक्त आर के गौतम ने बताया कि एनडीआरएफ की कंपनी जिले में आपदा प्रबंधन को लेकर जगह जगह जागरूकता कार्यक्रमों और मॉक ड्रिल से लोगों को आपदा से बचाव के बारे में जागरूक करेगी। ये टीम जिले में अनेक स्थानों पर जाकर लोगों को आपदा काल में करने वाले कार्यों के बारे में बताएगी, जबकि 24 अप्रैल को नाहन में मेगा मॉक ड्रिल की जाएगी। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। जिला सिरमौर का एनडीआरएफ का जो एक फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज है वो 10 तारीख से आज से स्टार्ट होगी है और ये 24 तारीख तक चलेगी। इसमें हमारे जो पूरी टीम वहाँ से आई है, एनडीआरएफ की जो नई बटालियन वहाँ पे आई है, नई कंपनी आई है, उनके कंपनी के जो ऑफिसर्स आज हमारे से मीटिंग हुई और उसमें जो है वो 10 से 12 तारीख के बीच में वो डिस्ट्रिक्ट नाहन का जितने भी यहाँ के इंपॉर्टेंट ब्रिजेज हैं, बिल्डिंग्स हैं और अन्य जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करेगी ताकि उनको इसके बारे में जानकारी हो, इन केस ऑफ डिजास्टर वो उसमें कर सकते हैं, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ का, रोड्स का सारी जानकारी करेंगी। 13 से 15 तक जो है फिर वो इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई और इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे फायर इंसिडेंट होने खतरा रहता है, कोई और खतरा, उसका अध्ययन करेगी। 16 से 18 तक जो है फिर तहसील कमराव का, जहाँ पे हमारे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, जहाँ पंचायत है, चांदनी पंचायत है, उसमें जहाँ हर बारी स्लाइड आता है, गांव को खतरा हो गया, उसका भी अध्ययन करेगी, वहाँ जाएंगी और उसको करेंगी। और 19 से 21 तक जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करेगी, जो हमारी कमराऊ पंचायत की जो कुछ कमराऊ ब्लॉक में, जो हमारी कपोट्टा ब्लॉक में जो हमारी पंचायत हैं उनके साथ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे उनके साथ इंट्रैक्शन करेंगे ताकि उनको इनकी कैपेसिटी को बिल्डअप किया जाए रिगार्डिंग अर्थ के रोड एक्सीडेंट्स और साथ में जो हमारा लैंडस्लाइड एक्टिविटीज़ है। और 22 से लेकर 24 तक दोबारा के जो है वो तहसील रेणुका और रेणुका के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके सभी अधिकारियों से इंट्रैक्शन होगी और एक मॉक एक्सरसाइज छोटी सी हम यहाँ पर करेंगे ताकि हमारी प्रिपेयरनेस है डिजास्टर के लिए वो हमारी बनी रहे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।